हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। आ जाओ, करते हैं एक नया टॉपिक आज फिर। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देखो। हाँ जी, हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का, हम लोग क्या है, बीएड जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा चल रहा है। और इसके अंदर हम कौन सा पेपर कर रहे हैं, पेपर इसके अंदर हमारा थर्ड है। पेपर कौन सा, इसके अंदर हमारा थर्ड पेपर है, ठीक। और यूनिट, यूनिट हमारी कौन सी है, इसके अंदर हमारी थर्ड यूनिट ही चल रही है। यानी कि हमारा पेपर भी थर्ड है और यूनिट भी हमारी थर्ड ही चल रही है। थर्ड यूनिट के हमने तीन प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और आज हम करेंगे चौथा प्रश्न। आज हम करेंगे चौथा प्रश्न, क्या फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण जो प्रणाली है, किसकी, फ्लैंडर्स की, वो हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है आप लोग, इम्पोर्टेंट क्या, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलिए, क्योंकि जो फ्लैंडर्स की है ना वो एग्ज़ाम के अंदर कई बार आती है। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठाकर देखिए, उसके अंदर बार बार पूछा जाता है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के बारे में आप विस्तार से समझाएं, ठीक है ना। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाएं, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखो, कर लेते हैं इसको कि ये क्या है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो शब्द है ये हमारे सामने बार बार आता है। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अंतःक्रिया का मतलब क्या है बच्चों, इंटरेक्शन। तो देखो, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, उसमें सारी वही बातें हैं जो हम पीछे करके आए हैं, क्योंकि बातें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। बातें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो अध्यापक की जो कार्य कुशलता है, काम करने की जो कुशलता है, उसके शिक्षण द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी कि एक अध्यापक पढ़ाने में कितना बढ़िया है और कितना नहीं, ये बात हमें कैसे पता चलेगी, उसके पढ़ाने के ढंग से, तरीके से, उसके काम करने के ढंग से हमें पता चलता है इस बात का। और उसका शिक्षण कितना प्रभावशाली है, इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उसके कक्षा व्यवहार अथवा छात्रों के साथ होने वाली अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मतलब एक जो टीचर है वो कितना बढ़िया पढ़ाता है, उसका जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, इसका जो मूल्यांकन है वो कैसे होता है, उसका कक्षा में व्यवहार कैसा है, या छात्रों के साथ वो कैसे अंतःक्रिया करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है छात्रों के साथ, ठीक है ना, छात्रों के साथ वो कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे अंतःक्रिया करता है, इससे इसका पता चल जाता है हमें। कि अगर एक टीचर छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, क्लास के अंदर छात्रों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप सा रहता है, बस आया अब अपना टॉपिक पढ़ाया और उसके बाद चल दिया, ना बच्चों की समस्याएं सुनी, ना डाउट्स लिए, ना बच्चों को कुछ और कोई मोटिवेशन की कोई बातें बताई। देखो, एक अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि वो टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करता रहे, बच्चों को ये बताता रहे कि भाई तुम्हें इस तरह से आगे बढ़ना है, ऐसे तुम्हें करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो मोटिवेशन है ना वो जरूरी है बच्चों के लिए। और वो मोटिवेशन देगा कौन, वो मोटिवेशन देगा एक अध्यापक। तो अध्यापक का केवल फर्ज यही नहीं होता कि कक्षा में आया, उसने पढ़ाया और पढ़ाकर चल दिया, केवल यहाँ तक एक अध्यापक की सीमा नहीं है, अध्यापक की सीमा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, अंतःक्रिया से हमारा अभिप्राय क्या है, अध्यापक और छात्रों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक विचारों और संकेतों का आदान प्रदान। अंतःक्रिया से क्या मतलब होता है कि अध्यापक के बीच में और छात्रों के बीच में तो आदान प्रदान विचारों का कैसे होना चाहिए, वर्बल भी होना चाहिए, नॉन वर्बल भी होना चाहिए, यानी कि शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। शाब्दिक क्या होगा, जब बच्चा बोलकर अध्यापक को बताएगा, अध्यापक बोलकर बच्चे से बात करेगा। नॉन वर्बल क्या होता है कि जब हम संकेतों से बात करते हैं, जैसे अध्यापक ने क्या कहा कि भाई, अध्यापक ने कहा कि ये ऐसा है वैसा है, पढ़ाता है, बच्चे इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, बच्चे इस तरह से करते हैं, अपने गर्दन हिलाते हैं और बच्चा पढ़ने में मगन हो जाता है, पता चल जाता है कि बच्चे किसके साथ जो संप्रेषण है वो अच्छा हो रहा है। उसके बाद देखो, कक्षा का जो व्यवहार है,
और जो अंतःक्रिया है यानी कि इंट्रैक्शन है उसके विश्लेषण को अंतःक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। कक्षा के अंदर एक टीचर का कौन सा व्यवहार है या अंतःक्रिया के विश्लेषण को, जो आपस के अंदर जो क्रिया है इंट्रैक्शन है उसके विश्लेषण को अंतःक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण शब्द का संबंध है वो एक ऐसी टेक्निक से है जिसका प्रयोग अध्यापक कक्षा के व्यवहार में अध्ययन करने के लिए करता है। अंदर की घटनाओं का और कक्षा के अंदर चलने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया के सिलसिले में करता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि जो अंतःक्रिया जो विश्लेषण होता है इसका संबंध एक ऐसी टेक्निक से होता है जिसका प्रयोग अध्यापक क्या करता है, कक्षा में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए और कक्षा के जो अंदर की घटनाएं होती है ना या जो कक्षा के अंदर चलने वाली क्रियाएं होती है उसके सिलसिले में करता है। अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा और छात्रों के साथ अंतःक्रिया करनी ही पड़ेगी। क्या कहता है कि जो अध्यापक है अगर वो अपने शिक्षण को अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना ही पड़ेगा और कोई उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना और छात्रों के साथ अंतःक्रिया में सुधार करने में कि उसको ज़रूरत है उसकी उसके सहायता जो है उसके अंदर उसको मिल जाती है। इस प्रकार इस टेक्निक का जो प्रयोग है, इस प्रकार इस जो टेक्निक का जो प्रयोग है वो करके हम अध्यापक के व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। किस टेक्निक का प्रयोग करके, कौन सी टेक्निक अभी अभी बताई ना कि अगर इसके द्वारा अंतःक्रिया विश्लेषण यानी कि बच्चों के साथ बातचीत जो करता है ना अध्यापक, इसके द्वारा वह अपने शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और छात्रों के साथ होने वाले अंतःक्रिया में सुधार करने में उसको सहायता मिलती है। किससे, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के द्वारा, ठीक है ना। कक्षा में होने वाली जो क्रिया है या कोई प्रतिक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। कक्षा में होने वाली कोई भी क्रिया है या जो प्रतिक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है जिसमें अच्छे अध्यापक, अच्छे विद्यार्थी और अच्छी अध्यापन परिस्थिति आदि की उपलब्धि हो सकती है। जिसके अंदर किसकी उपलब्धि हो सकती है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट कर लें। हाँ जी, कहता है कि जो अच्छा अध्यापक है, अच्छा विद्यार्थी है और अच्छी अध्यापन अध्ययन परिस्थिति है, इसकी उपलब्धि हमें हो सकती है। ये इसका कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि अगर एक अध्यापक कक्षा में बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहता है, अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहता है, बच्चों के साथ ये चाहता है कि उसके संबंध बढ़िया बने, तो उसको बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। जितना बच्चों के साथ एक अध्यापक अंतःक्रिया करेगा, जितना इंट्रैक्शन करेगा, उतना ही अध्यापक बढ़िया सीखता जाए, उतना ही अध्यापक का जो टीचिंग है सॉरी वो प्रभावशाली होगी और बच्चा अच्छा सीखता जाएगा। बच्चे को अच्छी तरह से सिखाने के लिए, बालक को अच्छी तरह से सिखाने के लिए ये जरूरी है कि जो एक टीचर है वो बच्चों के साथ क्या करे, अंतःक्रिया करे। एक टीचर क्या करे, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करे, बच्चों के साथ इंट्रैक्शन वो करे। उसके बाद देखो कक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण के उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, कि कक्षा के अंदर जो अंतःक्रिया विश्लेषण होता है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, पहला क्या, निष्पक्ष ढंग से अध्यापक के अध्यापन व्यवहार का निरीक्षण करना। जो कक्षा में इंट्रैक्शन होगा, जो कक्षा में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा एक अध्यापक की और बच्चे की आपस के अंदर जो बातचीत होगी उसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या होगा कि निष्पक्ष ढंग से, यानी कि दोनों जो है कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना हो, निष्पक्ष ढंग से अध्यापक के अध्यापन, जो अध्यापक टीचिंग करता है, जो एक अध्यापक क्या करता है, टीचिंग करता है, उसके व्यवहार का निरीक्षण करना, ठीक है ना, कि निष्पक्ष ढंग से अध्यापक के व्यवहार का क्या करना, निरीक्षण करना। दूसरी बात, अध्यापक के व्यवहार में सुधार करने के लिए, ठीक है ना,
अंतःक्रिया विशेषण के उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य जो फ्लैंडर्स ने बताया ना, ये जो फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के बारे में बताया, इसके कुछ उद्देश्य थे, उद्देश्य आपके सामने हैं। पहला तो अध्यापक के अध्यापन व्यवहार का निरीक्षण करना, दूसरी बात अध्यापक के व्यवहार में सुधार करने के लिए योजनाएं बनाना। अध्यापक के व्यवहार में सुधार कैसे किया जा सकता है उसके बारे में योजनाएं बनाना, ताकि वह अध्यापन और अध्ययन की परिस्थिति के अनुकूल बने, ताकि वह अध्यापन और अध्ययन की परिस्थिति के अनुकूल बने। तीसरी बात, अध्यापन अध्ययन के प्रोग्राम के दोषों को पहचान कर निश्चित करना और उसके उपचारात्मक उपाय समझाना। यानी कि जो एक अध्यापक पढ़ाता है, उसके अध्ययन के जो भी प्रोग्राम है, मतलब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाएगा, उसके अंदर अगर कोई दोष है तो उस दोष को पहचान कर निश्चित कर देना और उसके उपचार के उपाय सुझाना, और उसके उपचार के क्या उपाय सुझाना, ठीक है ना। तो कक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण के ये तीन उद्देश्य बताएं कि जो कक्षा के अंदर अध्यापक और बच्चों के अंदर बातचीत होगी उसके उद्देश्य कितने हैं, तीन। फिर से देख लो, अध्यापक के अध्यापन व्यवहार का निरीक्षण करना, फिर जो अध्यापक का जो व्यवहार होगा उसमें सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं बनाना ताकि अध्यापक और अध्ययन की परिस्थिति के अनुकूल बन जाए। तीसरी बात, प्रोग्राम के दोषों को पहचान कर निश्चित करना और उसके उपचार के उपाय सुझा देना, ठीक। उसके बाद देखिए फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हमने ये जान लिया कि जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वो है क्या और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ये प्रणाली है क्या, इसके बारे में हमने जान लिया, ये प्रणाली क्या है और इसके जो उद्देश्य है ना वो क्या क्या है। तो इनके तीन उद्देश्यों के बारे में हमने बात कर ली। अब ये कहता है कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण जो पद्धति है, ये मिनीसोटा विश्वविद्यालय, जो मिनीसोटा यूनिवर्सिटी है ना, इसके एक प्रोफेसर कौन, नेड ए फ्लैंडर, पूरा नाम क्या था, नेड ए फ्लैंडर, उसने 1951 में कक्षा के व्यवहारों की दिशा में कार्य करना शुरू किया था, ठीक है ना। आप इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा तभी आपका जो प्रश्न है वो बढ़िया बनेगा। याद रखिए जो मिनीसोटा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, मिनीसोटा, और उसके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम क्या, नेड ए फ्लैंडर, ये पूरा नाम है नेड ए फ्लैंडर। उन्होंने क्या किया, 1951 के अंदर जो कक्षा के अंदर व्यवहार होते हैं, किसका व्यवहार, एक अध्यापक और विद्यार्थी का जो आपस में व्यवहार होता है, उस दिशा में काम करना इन्होंने शुरू किया था। कि फ्लैंडर के दिमाग के अंदर पहले ये बात आई कि कक्षा के अंदर अध्यापक का जो व्यवहार है वो बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए और बच्चों का अध्यापक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दोनों की जो अंतःक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इनके बारे में तो इन्होंने काम करना शुरू किया। और 1959 में, यानी कि 1959 में उन्होंने 10 वर्गीय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली प्रस्तुत की। यानी कि उनको कितने लगे, लगभग 9 साल लगे, 1951 में तो शुरू की थी, 9 साल के अंदर इन्होंने अपना काम जो है वो जारी रखा और 10 वर्गीय, वर्ग कितने थे, 10, 10 वर्गीय विश्लेषण जो प्रणाली है अंतःक्रिया इंटरेक्शन की, जो 10 वर्गीय है वो इन्होंने प्रस्तुत की। उसके बाद यह एक वर्ग श्रेणी प्रणाली है, कैटेगरी सिस्टम है, ये क्या है, एक कैटेगरी सिस्टम है, वर्ग कार्य श्रेणी प्रणाली है, जिसमें क्या किया जाता है, छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक के सभी शाब्दिक व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना, समझ में आई ये लाइन। ये एक क्या है, क्या बताया, कैटेगरी सिस्टम है, जिसमें कक्षा के अंदर एक अध्यापक छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि क्या होता है कि कई अध्यापक ऐसे होते हैं कक्षा में जाने के बाद बच्चों से किसी प्रकार की कोई भी अंतःक्रिया नहीं करते, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते, वो क्लास में जाते हैं और ये कहते हैं कि आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश का टीचर है तो कहेगा आज आर्टिकल पढ़ेंगे और फटाफट आर्टिकल के नियम बताए, ये ऐसे होता है, ये यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, उसके बाद क्लास खत्म और क्लास से बाहर चला जाता है। बच्चे एक मूक दर्शक की तरह, जैसे दर्शक होता है ना, गूंगा दर्शक, दर्शक भी कौन सा, गूंगा,
जो देखता तो है लेकिन बोलता नहीं है। तो बच्चे एक मूक दर्शक की तरह अध्यापक की बातों को सुनते रहते हैं और अध्यापक कक्षा के अंदर अपने टॉपिक को खत्म करके निकल लेता है। लेकिन यहां पर उस अध्यापक की एक कमी है। हो सकता है अध्यापक ने बहुत अच्छा पढ़ाया हो, यह मतलब नहीं है इसका फ्लैंडर का कि अध्यापक बुरा पढ़ा रहा था, हो सकता है जबरदस्त पढ़ाया हो, लेकिन वो अच्छा पढ़ाना वो तभी कहा जाएगा जब बच्चों के साथ क्या होगी, टीचर की इंटरेक्शन होगी, अंतः क्रिया होगी। जो कक्षा होती है ना, कक्षा वो जीती जागती होनी चाहिए। जीती जागती का मतलब अध्यापक की भी आवाज़ आनी चाहिए और बच्चों की भी आवाज़ आनी चाहिए कक्षा से बाहर। अगर एक कक्षा बिल्कुल शांत है, केवल टीचर की आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही वहाँ पर विद्यार्थियों की, तो वो कक्षा कभी भी बेस्ट नहीं होती। कक्षा में आवाज़ दोनों की आनी चाहिए, अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछे, बच्चे अध्यापक से प्रश्न पूछे, दोनों के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए। अन्य बातें होनी चाहिए, बस सारी पढ़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा अपने जीवन का अनुभव, अच्छी बातें भी बच्चों को कभी कभार बतानी चाहिए। कोई मोटिवेशनल जो कहानी है, कोई मोटिवेशनल कोई पोइम है, वो भी बच्चों को कभी कभी सुनानी चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं। वही एक अच्छी टीचिंग कही जाती है ना, उसी टीचिंग को हम लोग अच्छा कहेंगे। तभी तो आप बीएड में ये चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि आप भावी अध्यापक हो, कल को आप अध्यापक बनोगे और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्लास में बच्चों के साथ किस प्रकार इंटरेक्शन करना है। ठीक, तो देखो भाई, जितने भी वर्बल व्यवहार हैं, यानि कि शाब्दिक, शाब्दिक माना शब्द, जितने शब्द बोलता है टीचर बच्चों के साथ, उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, अशाब्दिक व्यवहारों को नहीं, जिनमें बोला नहीं जाता उन व्यवहारों को नहीं किया जाता भाई, है ना। ये क्या कहता है कि यह 10 वर्गीय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, एक कैटेगरी सिस्टम है जिसमें कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक के जितने भी शाब्दिक व्यवहार हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक, फ्लैंडर क्या कहता है, अध्यापक का शाब्दिक व्यवहार उसके संपूर्ण व्यवहार का अच्छा नमूना है। जितना एक टीचर बच्चों के साथ शब्दों के द्वारा व्यवहार करेगा, जितनी बातचीत करेगा, वो उसके सारे व्यवहार का एक अच्छा नमूना है। जो नॉन वर्बल यानि कि अशाब्दिक व्यवहार जो होता है, उसका भी कक्षा में महत्व है, परंतु इसका उचित रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और बच्चा आपको इस तरह से गर्दन हिला रहा है, आपने कहा हाँ जी ये है वो है, बच्चा ऐसे कर रहा है, तो ये अशाब्दिक हो गया। अब यूं भी कहा जाता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चे का हाथ इस तरह से अपने ठोड़ी के नीचे आ जाए ऐसे, और बच्चा मगन हो जाए आपकी बात सुनते हुए, वो सबसे बेस्ट टीचिंग होती है। ठीक है ना, ये बात हमें भी कभी बीएड में बताई गई थी, मुझे याद है जब मैं बीएड करती थी तो ये बात हमें बताई गई थी, क्यों रेगुलर बीएड करती थी मैं, डेली जाया करती थी, तो वहाँ पर हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बताई थी एक दिन कि आप पढ़ा रहे हो और आपके पढ़ाते पढ़ाते बच्चा आपकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़ी गौर से आपकी बातें सुन रहा है, और बातें सुनते सुनते अगर बच्चे का हाथ यूँ अपनी, ये जो ना हम ठुड्डी बोलते हैं, इसके नीचे यूँ आ जाए और बच्चा मगन होकर आपकी बात सुन रहा है, तो वो सबसे बेस्ट टीचिंग मानी जाती है। ठीक है ना, फिर देखो फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की आधारभूत धारणाएं क्या क्या हैं। ठीक है ना, क्या क्या धारणाएं हैं इस प्रणाली की आधारभूत धारणाएं, देखो जी क्या क्या धारणाएं हैं फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की धारणाएं क्या क्या है कि सामान्यतः कक्षा कक्ष में शाब्दिक व्यवहार की ही प्रधानता होती है। जो बोलता है टीचर और जो बच्चा बोलता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, उसी की प्रधानता होती है। अधिकांश समय कक्षा कक्ष में या तो अध्यापक बोलता है या छात्र बोलते हैं। ठीक, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है ना, जो वो बातें आपस में कर रहे हैं उनको तो आप लोग ऑब्जर्व कर लोगे, उनका तो निरीक्षण कर दिया जाएगा, और उसका निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अभिलेखन भी किया जा सकता है। मतलब उसका अभिलेखन भी किया जा सकता है कि निष्पक्ष और अच्छे विश्वसनीय ढंग के साथ। फिर है कि शिक्षण अधिगम, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सी बताई, एक तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और जो लर्निंग प्रक्रिया है, यानी कि जो आपकी प्रोसेस है,
इसमें अध्यापक और छात्र के आपसी संबंध का ज्यादा महत्व होता है कि अध्यापक का बच्चों के साथ संबंध कैसा है, किस प्रकार का संबंध है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक अध्यापक के कक्षा में होने वाले व्यवहार में सुधार ला सकता है, है ना। फीडबैक जरूरी है, अध्यापक ने जो पढ़ाया उसका फीडबैक जरूरी है। कैसा पढ़ाया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या डाउट रह गए, ये फीडबैक होता है। अध्यापक को पढ़ाने के बाद बच्चों का फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि बच्चों बताओ समझ में आया या नहीं आया, कितना आया, क्या क्या आपके डाउट रह गए, टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है। जो बच्चा आपको फीडबैक देगा उसी के आधार पर आप अपने शिक्षण में सुधार भी कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपने टीचिंग के अंदर सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शाब्दिक व्यवहार किस प्रकार से काम करते हैं, जो शाब्दिक व्यवहार है, जो वर्बल बिहेवियर है, वो किस तरह से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, ये कहता है कि जो फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली दी उसके अंदर जितने भी हमारे शाब्दिक व्यवहार हैं उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। फ्लैंडर ने कक्षा कक्ष में, फ्लैंडर ने क्या किया कि कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में जितने भी शाब्दिक व्यवहार है इनको 10 वर्गों में वर्गीकृत किया। ये बात पहले भी हम कर चुके। उन 10 वर्गों में मुख्य रूप से 3 खंड में रखा जा सकता है। वर्ग तो इन्होंने कितने बताए थे, 10, और 10 वर्गों को कितने खंडों में, कितने भागों में रखा जा सकता है, 3 भागों में रखा जा सकता है। एक तो अध्यापक वार्ता, जो अध्यापक बातचीत करता है, पहला खंड तो ये है, पहला खंड तो ये हो गया। दूसरा खंड है छात्र वार्ता, जो छात्र बातचीत करता है, छात्र कहता है अध्यापक से जो बात, वो दूसरा खंड है। फिर मौन एवं अव्यवस्था, जहां मौन रहकर भी कई बार संप्रेषण होता है, वो क्या है, वो तीसरा खंड हो जाएगा। अध्यापक वार्ता से संबंधित पहले खंड में 7 वर्ग है, कुल 10 है ना। अध्यापक वार्ता में 7 खंड है, उसमें से पहले 4 वर्ग अध्यापक के छात्रों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, इनडायरेक्ट डालते हैं। इनमें से जो 4 हैं वो अध्यापक के छात्रों पर अप्रत्यक्ष और अगले 3 प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। दूसरा है छात्र वार्ता से संबंधित है, उसमें केवल 2 वर्ग हैं भाई, पहले वाले में 7 है, उस दूसरे वाले में 2 है, ठीक है ना। पहले वाले में कितने हैं, 7 हैं, और दूसरे वाले में 2 वर्ग हैं। तीसरे खंड में मौन या अव्यवस्था नामक केवल 1 ही वर्ग होता है, मौन और अव्यवस्था। उस समस्त वर्गीकरण को निम्न प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है, देखिए आगे कैसे लिखेंगे। पहला है खंड ए, एक मिनट ठहरो, हाँ जी देखो, पहला है खंड ए, इसके अंदर आपका, इसके अंदर जो पीडीएफ है इसके अंदर नहीं आया खंड ए, शायद किसी वजह से मिसिंग हो गया है ये वाला, पर ये मैं आपको वैसे ही करवा देती हूँ, जो खंड एक है ना वो मैं आपको वैसे करवा देती हूँ। चलो जी करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग खंड ए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, खंड एक, ठीक। खंड एक क्या है, अध्यापक वार्ता है, ठीक। ये क्या है, अध्यापक वार्ता है। आप इसको साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके पीडीएफ के अंदर नहीं है, ठीक। खंड एक क्या है, इसके अंदर पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इसके अंदर पहला क्या आएगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंदर 4 आते हैं ना, तो पहला है छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना। पहला आएगा छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, भावनाओं को स्वीकार करना, किसी छात्र की क्या भावनाएं हैं स्वीकार करना। अगर टीचर ये समझ ले कि बच्चे की भावनाएं क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये बच्चों के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है।
क्योंकि बच्चों को ये पता लग जाता है कि जो हमारा टीचर है ना वो हमें समझता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है प्रशंसा करना। दूसरा कौन सा आएगा? प्रशंसा करना। अगर टीचर अच्छी बातों के लिए बच्चों की प्रशंसा करता है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, तो इसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा अच्छे काम करने के लिए। बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया, अच्छे नंबर लेकर आया, तो एक टीचर को बच्चे को जरूर मोटिवेट करना चाहिए। फिर छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। अगर कोई छात्र आपसे कोई ऐसी बात कहता है जो बहुत बढ़िया है, तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के विचारों को स्वीकार भी करे, ऐसे नहीं कि हमेशा अपनी ही चलाए। कि किसी बात में तो टीचर को भी ये बोलना चाहिए कि हाँ तुम सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, शाबाश, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी और तुमने सही कहा बिल्कुल कि हम इस काम को ऐसे ही करते हैं। तो अगर कोई टीचर बच्चों की बातों को स्वीकार करेगा और उसे उपयोग में ले आएगा तो वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा। उसके बाद प्रश्न पूछना, नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रश्न पूछना। तो टीचर जब प्रश्न पूछता है तो ये भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये हमारे चार क्या हो गए, ये चार हमारे अप्रत्यक्ष प्रभाव है, यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट है। उसके बाद अगला हमारा, ये तो हमारा कह मान लो, अगला खै क्या है हमारा, खै है प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कैसे पड़ेगा। दूसरी बात क्या, कि जो बालक के ऊपर जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो कैसे आएगा, कैसे पड़ेगा। भाषण देना, डायरेक्ट इफेक्ट तीन प्रकार का होता है। जब टीचर भाषण देता है, स्पीच देता है, तो भाषण देने का बालक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भाषण देना है वो क्या है, वो बच्चे का प्रत्यक्ष है यानी कि डायरेक्ट है, ये बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, ठीक। उसके बाद जैसे निर्देश देना, निर्देश का मतलब क्या कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। उसके बाद आलोचना करना, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो ये भी टीचर का फर्ज है कि वो बच्चे को सही और गलत की पहचान कराए कि जो बच्चे जो तुमने किया है वो बिल्कुल गलत है, आगे से ऐसा मत करना। तो जो आलोचना है इसका बच्चे के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट पड़ेगा प्रभाव, ठीक। और भाषण देने का डायरेक्ट पड़ेगा, निर्देश देने का भी क्या पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद देखो, ये तो हमारी अध्यापक वार्ता हो गई, उसके बाद है हमारी छात्र वार्ता। और छात्र वार्ता में दो ही प्रकार आते हैं, दो वर्ग आते हैं, सात वर्ग तो हमने कर लिए। छात्र वार्ता में कितने वर्ग आएंगे, दो वर्ग आएंगे। कौन सा है आठवां लिख लो चाहे, कि छात्रों का उत्तर देना। अध्यापक ने जो प्रश्न पूछ लिया, छात्र क्या देंगे, उसका उत्तर देंगे, छात्रों का उत्तर देना। उसके बाद छात्रों का बोलने की पहल करना, छात्रों द्वारा बोलने की पहल करना। क्योंकि कई बच्चे इस तरह के होते हैं, वो कभी भी पहल करते नहीं है बोलने की, अगर टीचर उनसे पूछता है तभी वो उस बात का जवाब देते हैं, खुद से पहल नहीं करते। तो छात्रों के द्वारा बोलने की पहल करना, ये छात्र वार्ता में आता है। और फिर जो खंड तीन है, जो इसका तीसरा खंड है, खंड तीन में क्या आएगा, ये खंड दो था आपका, और खंड तीन में क्या आ जाएगा, दसवां हमारा क्या है, मौन। बच्चे मौन रहकर केवल अपने फेस के एक्सप्रेशन से टीचर के साथ बात करते हैं, है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कैसे टीचर समझा रहा है, बच्चे कह रहे हैं ऐसे, आ गया जी समझ में, हाँ जी आ गया जी, ये क्या है, ये मौन है, वो बोले ना बस इस तरह से करते रहे, तो ये मौन होता है। तो ये दस हमारे प्रकार का जो वर्ग है, जो फ्लैंडर्स ने बताया था, और दस वर्गों को तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा जी, चलो जी आगे। अब उसके बाद आगे है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की विधि क्या है, ठीक। तो 3 सोपान होते हैं इसके अंदर, आप सोपान कह दो या आप चरण कह दो या स्टेप्स कह दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो देखो,
305 कौन कौन से? कक्षा कक्ष में जो भी घटित होगा, जो भी व्यवहार होगा उसका निरीक्षण करना, इसको हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना होगी और फिर उसकी व्याख्या की जाएगी, यानी कि डिकोडिंग होगी। ठीक, तो ये एनकोडिंग क्या है? इसमें कक्षा कक्ष में जो भी व्यवहार होगा उसका अंकन किया जाएगा। एनकोडिंग करने वाले निरीक्षक को इन वर्गों का उचित ज्ञान होना जरूरी है। जो हमने अभी अभी 10 वर्ग किए और हमने 3 खंड किए, इनका ज्ञान एनकोडिंग करने वाले को जरूरी है, इनकोडिंग करने वाले को जरूरी होता है। इनकोडिंग करने वाले निरीक्षक जो है कक्षा में ऐसे स्थान पर उसको बैठाना चाहिए जहाँ से वह कक्षा में होने वाले सारी गतिविधियों को देख ले, सुन ले और उसको लिख सके। अब जैसे एक कोई बाहर का व्यक्ति है जो निरीक्षक है और वो ये चाहता है कि ये जो फलानी कक्षा है, छठी है या सातवीं है या दसवीं है, इसके अंदर टीचर का और स्टूडेंट का आपस में कैसा इंट्रैक्शन है, किस तरह की अंतःक्रिया होती है, तो वो निरीक्षण करेगा तो क्या करेगा, अपने पास एक पेन या उसके पास पेज या कॉपी कुछ होगा तो उसको ऐसी जगह बैठना चाहिए कि जहाँ से उसको सब कुछ दिखाई दे, सारी गतिविधि। फिर उसको ये जो हमने 3 खंड और 10 वर्ग किए हैं इनका ज्ञान होना चाहिए उसको, इनकोडिंग करने वाले को। उसके बाद अंकन प्रक्रिया में कक्षा में जो भी व्यवहार हो रहा है उसको अलग अलग वर्गों में अंकित करना होता है। प्रति 3 सेकंड में होने वाले व्यवहार को वर्ग संख्या द्वारा अंकित किया जाता है। ठीक है ना, 3 सेकंड में अंकन करना है। 20-25 मिनट तक चलती है, 400 या 550 आवृत्तियाँ प्राप्त होती है, बस ठीक इतना बहुत। उसके बाद अंतःक्रिया मैट्रिक्स तालिका तैयार करना, फिर वो तालिका को तैयार करेगा। अभी तो उसने निरीक्षण किया है, अभी तो उसने अध्यापक और बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण किया है, अब क्या करेगा, उसके लिए मैट्रिक्स तैयार करेगा, मैट्रिक्स तालिका तैयार करेगा। ठीक है ना, मैट्रिक्स तालिका क्या होती है कि इसमें 10 पंक्तियाँ होती हैं। पंक्तियाँ कितनी होती हैं? 10, और 10 खाने होते हैं। 10 तो इसके अंदर पंक्तियाँ होती हैं और 10 ही खाने होते हैं। तो जो भी निरीक्षक देखेगा उसी अनुक्रम से वो लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ग नंबरों का अनुक्रम है 4, 8, 10, 1, 3, 8, 9, 2, ठीक है ना। और वैसे आपको इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर याद ही नहीं रहेगा, इसको छोड़ो, बस आप इसको इतना याद करो बस, कहाँ तक कि अंतःक्रिया मैट्रिक्स जो तालिका है इसमें 10 पंक्तियाँ होती हैं, 10 खाने होते हैं और निरीक्षक द्वारा जितना भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसको उसी अनुक्रम से लिखे जाते हैं। बस ये वाला याद मत करो, ये पेपर में याद ही नहीं रहेगा, मत करो इसको याद। इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी को याद नहीं होती कि पहला जोड़ा का तीसरे से बनाएंगे, 10, 4, 8 नहीं याद रहेगा कुछ भी, छोड़ो इसको, बस इतना याद कर लो, इतना तो बहुत है। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो सीधा आ जाओ जी डिकोडिंग पर। ठीक है ना, हमने इसके सोपान तो हमें पेपर में बताने पड़ेंगे। जब आप फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली बता रहे हो तो सोपान तो आपको बताने पड़ेंगे कि कैसे ये होती है, लेकिन इसके अंदर आप वो याद कीजिए जो आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो आप डिकोडिंग पर आ जाओ जी। अध्यापक के व्यवहार से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करके जो रिजल्ट निकलेगा उसका विश्लेषण करने को डिकोडिंग कहा जाता है। देखो हमने क्या किया, पहले एनकोडिंग की। एनकोडिंग में क्या किया कि एक निरीक्षक कक्षा में बैठ गया और वो क्या देखता है कि कक्षा के अंदर जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनका आपस में कैसा इंट्रैक्शन है, कैसे बातचीत करते हैं, किस तरह से टीचर पढ़ाता है, कैसे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते, आपस में बातचीत कितनी हुई, कितने प्रश्न पूछे गए, वो सभी को लिख लेगा। वो सभी को क्या कर लेगा, लिख लेगा। दूसरे में क्या करेगा, फिर वो मैट्रिक्स तैयार करेगा, खानों में लिख लेगा, 10 खाने होते हैं, 10 पंक्ति होती है। अब वो क्या करेगा, बाद में वो डिकोडिंग करेगा। ठीक है ना, तो जितने भी आंकड़े होंगे उनको परिणाम निकालेगा और उसको विश्लेषण कर डिकोडिंग कर देगा। इस विश्लेषण के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक तो संख्यात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी भी हो सकता है और क्वालिटी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलो जी, अब है इसके गुण क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके दोष क्या है, दोनों बात कर लेंगे, गुणों की भी बात करेंगे और दोष की भी बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको लास्ट में गुण और दोष बताने ही पड़ते हैं कि ये जो प्रणाली है, ये जो विधि है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। तो देखो गुणों की अगर हम बात करें तो जो शिक्षक जितना भी वर्बल बिहेवियर करेगा
और कक्षा में जितना भी इंट्रैक्शन होगा उसका निरीक्षण और विश्लेषण करने की यह सबसे बढ़िया विधि है। एक तो विश्वसनीय है और एक वस्तुनिष्ठ है, ठीक है ना। जो कक्षा के अंदर आपस में अंतःक्रिया होती है उसकी सबसे बढ़िया विधि है। इसके द्वारा जो शिक्षक होता है वो व्यवहार के प्रारूप यानी कि पैटर्न को और प्रवाह फलों को निर्धारण करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो टीचर है ना, जो शिक्षक है, वो व्यवहार के प्रारूप को, पैटर्न को तैयार करता है कि कक्षा में मेरा जो व्यवहार है वो बच्चों के साथ कैसा होगा। इसका जो पैटर्न है वो तैयार करता है कौन? एक टीचर। और वो फॉलो के निर्धारण में ये आगे बढ़ेगा कैसे, कैसे बच्चों के साथ इंट्रैक्शन किया जाएगा, तो ये फॉलो को भी क्या करता है, निर्धारण करता है। अध्यापक के व्यवहार को सुधारने के लिए यह फीडबैक का काम करती है, है ना। अध्यापक के व्यवहार को सुधारा जा सकता है, जैसे हमने तीनों सोपान का प्रयोग कर लिया और फिर अध्यापक को ये बताया जाएगा कि आपके टीचिंग में ये कमी थी, आपने इस समय बच्चों से मतलब जो बात कहनी थी या जो इंट्रैक्शन करना था वो आपने नहीं किया। तो अध्यापक को क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कक्षा के अंदर बच्चों के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए। अध्यापक के प्रभाव का लचीलापन निश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ना। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो प्रभाव है अध्यापक का, उसके अंदर होना चाहिए लचीलापन। अध्यापक के जो सिद्धांत है उसका विकास करने में ये सहायक है। अध्यापन के यानी कि जो टीचिंग के जो सिद्धांत है उसका भी ये विकास करता है कि किन किन सिद्धांतों के द्वारा टीचिंग की जा सकती है। फिर माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण है, और जो ये मैंने आपको माइक्रो टीचिंग भी मैंने आपको पढ़ा दिया ना मैंने, सूक्ष्म शिक्षण। और सूक्ष्म शिक्षण का जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार आता है ये 36 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण जो है ना वो 36 मिनट का होता है, 36 मिनट का, और ये मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। आप समझते हो कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। अनुरूपित शिक्षण ये भी मैंने करवा दिया, सिमुलेटेड टीचिंग ये भी करवा दिया ना मैंने, अनुरूपित भी करवा दी, और मैंने आपको टीम टीचिंग भी करवाई, ये तो 3-4 दिन पहले ही करवाई है टीम टीचिंग। ये तीनों टीचिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सिमुलेटेड क्या है और टीम टीचिंग क्या है। इनका जो नया नया प्रशिक्षण है, ठीक है ना, जो इनकी न्यू ट्रेनिंग है, यह प्रणाली सहायक है और पूरक होती है इनके ट्रेनिंग में, माइक्रो के अंदर, सिमुलेटेड के अंदर और टीम टीचिंग के अंदर। फिर जो पढ़ाता है टीचर उसको अलग अलग क्षेत्रों में शोध कार्य करने में यह प्रणाली सहायक है। अगर वो खोज करना चाहता है, शोध करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये सहायक है, ठीक है ना। तो हमारे साथ यहाँ पर क्या हो गए, साथ हमने यहाँ पर गुणों के बारे में बात कर ली। साथ क्या हो गए, हमारे गुण हो गए, ठीक। गुण कौन कौन से हो गए एक बार फिर से देख लो आप, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि शाब्दिक व्यवहार और अंतःक्रिया का निरीक्षण करने की बढ़िया प्रणाली है। फिर शिक्षक व्यवहार का पैटर्न तैयार करता है, व्यवहार को सुधारता है, फीडबैक मिलता है। अध्यापक का जो प्रभाव है उसका लचीलापन निश्चित करने के लिए सही है। फिर सिद्धांतों का विकास करता है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड और टीम टीचिंग में भी सहायक है, और अलग अलग क्षेत्रों में शोध कार्य करने में यह प्रणाली बढ़िया है। उसके बाद इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इस प्रणाली की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि दोष क्या क्या हैं, सीमाओं की बात कर लेते हैं। इस तकनीक का प्रयोग केवल शाब्दिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है, अशाब्दिक का नहीं करती है, ठीक। ये केवल क्या करती है, शाब्दिक व्यवहार का ही मूल्यांकन करती है, केवल वर्बल बिहेवियर को ही देखती है, नॉन वर्बल के लिए ये काम नहीं करती। उसके बाद जो छात्र हैं और जो अध्यापक हैं उनके अंदर वर्ग विभाजन एक सा नहीं होता। शिक्षकों के लिए तो 7 वर्ग है, छात्रों के लिए केवल 2 है ना। वर्ग विभाजन भी एक जैसा नहीं है, शिक्षक के ज़्यादा काम है, छात्र के 2 ही काम बताए। उसके बाद 3 सेकंड के बाद निरीक्षक को एक वर्ग में लिखना होता है। यह काम केवल एक सजग यानी कि एक ट्रेंड जो है ना वो ही कर सकता है ना, जो ट्रेंड ऑब्जर्वर होता है ना वो ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। 3 सेकंड कितना का होता है ये बताओ। साथ ही रिकॉर्ड रखने की यह प्रक्रिया थकाने वाली है, हर 3 सेकंड में एक खाने में लिखना है, बताओ थकेगा तो सही है ना। हर 3 सेकंड में एक खाने में उसको लिखना होता है। केवल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित पर्यवेक्षक ही उसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है। यही बात दोबारा आ गई तीसरी वाली, कि अगर जो ऑब्जर्वर है अगर वो ट्रेंड होगा तभी उसका उपयोग कर सकता है।
छात्र अंत्यक्रिया को कम महत्व दिया गया है, क्योंकि छात्र के लिए तो दो ही है ना, छात्र के लिए दो ही हैं, तो वर्ग दो निश्चित किए गए तो छात्रों के लिए कम महत्व दिया गया है। फिर आगे देखिए, यह प्रणाली समय शक्ति और धन सभी दृष्टि से खर्चीली है। मौन और विभ्रांति, जब मौन रहता है ना बच्चा, उसको एक ही श्रेणी में रखा जाता है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि लास्ट में खंड तीन में तो एक ही था। ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षण क्रियाएं हैं, जैसे विज्ञान में किसी प्रयोग का प्रदर्शन करना, भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन करना, मानचित्र है, चार्ट है, मॉडल है, इसका प्रणाली में कोई ध्यान नहीं है। अच्छे और बुरे जो शिक्षक के व्यवहार के रूप में भी कोई भी निर्णय नहीं है कि शिक्षक का व्यवहार अच्छा या बुरा किस तरह से होगा, इस बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता। फिर समस्त कक्षा क्रियाओं को 10 वर्गों में विभाजित करना ठीक नहीं है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शिक्षक के व्यवहार ऐसे भी हो सकते हैं जो उन श्रेणियों में आते ही नहीं है अभी, ठीक है ना, उनके अंदर आते ही नहीं है। इस प्रकार में टैली लगाना, मैट्रिक निर्माण और मैट्रिक्स, इसके परिणाम या गुण की व्याख्या करना ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर केवल एक ट्रेंड ऑब्जर्वर है वही कर सकता है, बाकी के बस की बात नहीं है। फिर तीसरी बार आ गया ये पॉइंट, तीसरी बार आया, बात वही है, लेकिन पॉइंट ये तीसरी बार आ गया, तो आप इसके 7 या 8 पॉइंट बहुत है आपके, क्योंकि रिपीट है भाई, बार बार एक ही बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार अच्छी तरह से समझा देना कि जो निरीक्षण करने वाला होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, अगर वो ट्रेंड नहीं होगा तो फिर वो उसके व्यवहारों का सही तरीके से अंकन नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई लास्ट के अंदर डिकोडिंग दे पाएगा, ठीक। तो ये आपकी फ्लैंडर्स की अंत्यक्रिया विशेषण प्रणाली थी जो हमने कर ली। इसके बाद आपका थर्ड यूनिट के अंदर एक ही टॉपिक रहता है ICT, ठीक है ना, ICT का रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आपका थैंक यू, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।